नमस्कार, आज हम लोग बातचीत करें कि लोक क्या है और लोक मन और लोक चेतना क्या है, इस पर ही आज बातचीत होगी। और लोक की जब बात आती है तो जैसे पाताल लोक, आकाश लोक या द्विलोक, त्रिलोक, ये लोक जो है जिसकी आज चर्चा होगी, यह कोई क्षेत्र विशेष का बोधक नहीं है। वह वस्तुतः मनुष्य जीवन की उस सहज प्रक्रिया को ही कहेंगे जिसके बाद मनुष्य धीरे धीरे विकसित होता गया है। तो एक तरह से केवल गांव में ही लोक मन है ऐसा नहीं है, यद्यपि मनुष्य संपूर्ण रूप से गांव से विकसित हुआ है और गांव ही पहले था। पहले तो मनुष्य जब यहाँ आया है, बाहर के लोग भी आए हैं, तो कबीलों के रूप में आए हैं। तो कबीले जो थे, एक एक कबीले जो हैं, अपने अपने ढंग से अपना जीवन जीते थे। धीरे धीरे कुछ कबीले कबीले ही रह गए और कुछ गांवों की और बस्तियों के रूप में बस गए। तो उनकी अपनी एक संस्कृति थी, अपनी जीवनधारा थी, और जो कबीले थे उनकी अपनी एक जीवनधारा थी। तो वो जो गांव में लोग बसे और गांव में रहने लगे, गांव में रहते हुए गांव की जो रोजी रोटी थी, जो उनकी परिस्थितियां थी, खाने पीने की जो व्यवस्था थी, उद्योग पैदा करने के जो साधन थे, वे बड़े सहज थे, सामान्य थे। क्योंकि प्रायः तो गांव ऐसी जगह में बसे थे जहां पानी के संसाधन थे, व्यवस्थाएं थीं, तो नदियां या बहुत बड़े बड़े पोखर हों, प्रायः तो नदियों से ही काम चलता था। तो इस तरह से जो है एक ऐसा मनुष्य तैयार हुआ था जो जो सभ्य भी था, जिसकी भाषा भी थी, जो उत्पादन से भी जुड़ा हुआ था, और उत्पादन में विशेष रूप से शुरू में या तो गायों आदि का पालन था जो दूध देती थीं, मक्खन देती थीं, या बकरियां थीं और भेड़ें थीं, उनका उत्पादन था। बाद में चल करके कृषि का विकास होता है और कृषि के विकास के साथ खेती का जब प्रकरण शुरू होता है, तो आप देखते हैं कि मनुष्य को भंडारण करने की ज़रूरत होती है। अन्न जब उत्पन्न करता है तो ज़रूरत पड़ती है भंडारण की, और जब भंडारण की ज़रूरत पड़ती है तो मिट्टी के बर्तन बने। उन मिट्टी के बर्तनों में जो है मनुष्य अपनी चीज़ों को रख रहा। आज रखने के बहुत संसाधन है, आज हम पूर्णतः विकसित हैं, लेकिन वैसे जो मनुष्य था, जिसको हम लोक मानव कह सकते हैं, लोक का मनुष्य कह सकते हैं, वह प्रदत्त जगत का प्राणी था, वह व्यवस्थात्मक जगत का प्राणी नहीं था। प्रदत्त जगत का मतलब प्रकृति के भीतर जैसे वो पैदा हुआ, उसी तरह से प्रकृति से संघर्ष करता हुआ, प्रकृति जीवन जीता हुआ, प्रकृति के साथ अपना एक समेकित रूप बनाता हुआ चल रहा था। तो ये जो लोक है, इस लोक से, इस लोक में भी तो परिवर्तन होता गया। ऐसा नहीं है कि जो आदिम युग का लोक था वो आज भी उसी तरह से लोक है, लेकिन फिर भी अभी शास्त्रीयता और नियमों और तमाम प्रकार के कठिन से कठिन सिद्धांतों आदि के वो चपेट में नहीं था, और वो हमेशा एक सहज जिंदगी जीता है, लेकिन जानता सब कुछ है उसके। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह दर्शन से जुड़ा नहीं है, वह धर्म से जुड़ा नहीं है, वह जो है सामाजिक चेतना से जुड़ा नहीं है, वह साहित्य से जुड़ा नहीं है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन जो है वह बड़ी सहजता से उसे प्राप्त है और उसके उच्छ्वसित प्राण और मन की चीज़ है। वह कोई बहुत शास्त्रीयता के बोझ से सनी या उससे लदी हुई चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वह प्रदत्त जगत का प्राणी था। अब प्रदत्त जगत का प्राणी जो है वह एक सहज जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे उसने भी अपने इर्द गिर्द नियमों को बनाया और नियमों में बंधना शुरू किया,
तमाम प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में एक नियमबद्धता आने लगी और उसके भीतर वह कहीं न कहीं जकड़ने लगा। तो ये जो लोक जिसकी बात की जा रही है, यह लोक अपने मन को लेकर, लोक मन बड़ा सहज होता है और उसमें कोई बनावटपन नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ा अच्छा, संपूर्ण रूप से अच्छा ही होता है। बुराइयां भी हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसा गंवईपन होता है और जिसमें कोई बनावट बेसी नहीं है और सहज ढंग से अपने प्राकृतिक स्वरूप में वह आगे बढ़ता है। यह लोकमन बहुत कुछ आप देखते हैं शिक्षित होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद या नौकरियां पाने के बाद, जब बाहर जाता है या कहीं अच्छी जगहों में उच्च स्तर पर जाता है, तो वह एक सभ्य और बहुत विकसित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका लोकमन उसके भीतर से गुजर गया है, चला गया है, क्योंकि लोकमन को लेकर ही कोई कहीं जाता है, उसका लोकमन हमेशा रहता है। तो आधार तो लोकमन है। रविन्द्रनाथ ने कहा था कि लोकमन और हमारे अभिजात मन में यही अंतर है, या लोक साहित्य कह लें या अभिजात साहित्य कह लें, तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा आधारभूत संबंध है, क्योंकि शुरू में लोक साहित्य ही हुआ है, लोक चेतना हुई है, लोक मन ही हमारा विकसित होता गया है, क्योंकि हमेशा जो है मनुष्य जो है लोक में ही जीता रहा है। वो हमारा संबंध उसी तरह से है जैसे पेड़ की जड़ों का संबंध उसके तना, शाखा, पत्तों, फूल और फल से है, उसी तरह से लोक का संबंध हमारे तमाम विकसित मनुष्य से है। मनुष्य जो भी विकसित हुआ है वो लोक के आधार पर ही विकसित हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर के देखने की एक ज़रूरत है कि कैसे हमारा वह सहज लोक मन हमें हमेशा एक शक्ति देता है, स्फूर्ति देता है। रविन्द्रनाथ ने एक जगह कहा है कि कभी भी जो शिशु पैदा होता है वह आज तक भी वैसे ही पैदा होता है जैसे पहले पैदा होता था, और ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम अनेक प्रकार के नियमों, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तमाम प्रकार के सांस्कृतिक नियमों में बढ़ते हुए जटिल होते गए, नहीं तो जो शिशु है वो हमेशा शिशु ही पैदा होता है। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि हमारे साहित्य का मूल स्रोत शिशु साहित्य ही है, क्योंकि शिष्य साहित्य के साथ जो साहित्य बना बड़ा सहज साहित्य हुआ और एकाएक मनुष्य के प्राण जो है उच्छ्वसित हुए और वो साहित्य बनने लगा। तो इस तरह से जब हम लोक मन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोक मन जो है केवल ऐसे ही कोई ठोस वस्तु है, लोक मन बड़ा गतिशील है। और हमारे भोजपुरी में एक कहावत, एक लोकगीत है कि छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, अमवा के मुजरा से मदन तन टपके, उठेला करजवा में हिलोर निर्मोहिया। तो ये जो सहज उच्छ्वास है, हमारे आधान पात्र जो हृदय है जिसको हम आधान पात्र कहते हैं, ये आधान पात्र जब भावों से भरता है तो वह छलक जाता है, जैसे भरी हुई गगरी हिलने के बाद कुछ निकल पड़ता है, पानी निकल जाता है, जिसको वर्ड्सवर्थ ने बहुत विकसित रूप में कहा कि पोएट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये जो पावरफुल फीलिंग्स का ओवरफ्लो है वही तो लोक में देखिए कितनी सहजता से कहा जा रहा है, छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया। अब ये गगरी का छलक जाना, ये कोई बनी बनाई कोई परिपाटी नहीं है, सोची हुई कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस पर कोई शास्त्रीयता का कोई लपेट नहीं है, लेकिन वह आदमी जो है एकाएक अपने हृदय की गगरी को उछाल देता है। तो जब हृदय की गगरी उछलती है तो वह लोक मन बाहर होकर के निकलता है, ये लोक मन का निकलना है, क्योंकि लोक मन जो है वह इतना सहज होता है, इतना स्वाभाविक होता है
कि वह जो है अनायास आता रहता है। तो लोक, जब लोक मन की बात की जाती है तो वह ऐसा नहीं है कि उसमें भी नियम नहीं है, नियम हैं, उसमें भी तमाम प्रकार के अनुशासन हैं, तमाम प्रकार के ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वह अनुबंधित है, लेकिन फिर भी इस उच्च मानव या जो अभिजात मानव के अनुबंधन से, अनुशासन से इतना ढीला है कि उसको हम एक सामान्य मानवीय जीवन में उसको कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन लोक मन की जब बात की जाती है तो वह अनेक अनेक लोगों के मन का एक सामूहिक स्वरूप ही तो होता है, क्योंकि वह हर आदमी का मन अपना अपना होता है, हर मन में एक बातें भिन्न भिन्न रूप में आती रहती हैं। लेकिन जब वह मन लोक का मन बन जाता है तब वह सबका मन बन जाता है, और इस रूप में वह बहुवचन का एक वचन होता है, एक वचन का बहुवचन नहीं होता, और ऐसी स्थितियों में वह लोक मन इतना व्यापक होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे आप समझिए कि लोक मन की जब बात की जा रही है तो उसमें हजारों लाखों लोगों का मन जो है इस तरह से सन्निविष्ट है कि सबको अपना मन लगने लगता है, और सबसे भिन्न होने पर भी वह सबको अपना मन लगने लगता है, प्रकार के लोकोक्तियों में, लोक कहावतों में वह रमा रहता है और बड़ा मस्त रहता है, वह अभावों में भी बड़ा मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, वह अपनी कलुषता में, अपनी सामान्य बिना सजावट के रह कर के बड़ा प्रफुल्ल रहता है। तो ये जो लोकमन की भावना है वो एकदम बच्चों की सी भावना है, जैसे बच्चा जमीन में लोट करके भी आनंदित है, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं मिट्टी में घूम रहा हूँ, कि मिट्टी में सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर जगह उसके लिए सोने लेटने की है, हर जगह वो बैठ सकता है, हर आदमी के सामने भी वो बड़ा चंचल होता है, क्योंकि बच्चे में जो एक कार्य करने की या ऊर्जा, बड़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है बच्चे में। और हम अपनी बुढ़ौती में भी जब कुछ परिश्रम कर लेते हैं तो परिश्रम हमको हमारे भीतर का बच्चा कराता है, यानी हमारे भीतर का वो लोक है, वो लोक मन है जो हमें उच्छ्वसित करता है, प्रसन्न करता है, और हमको काम करने के लिए प्रेरित करवाता है और बहुत कुछ काम करवा लेता है। हम अपनी बुढ़ौती में, अपने तमाम प्रकार के अस्वस्थता में भी हमें प्रसन्न रखने वाला यदि कोई है, आह्लादित करने वाला कोई है, और कोई ऊर्जास्वित करने वाला है, कार्य कराने वाला है, तो वो लोक मन है, और वो हर व्यक्ति में उसका लोकमन हमेशा सन्निहित है। वह लोकमन कब क्रियान्वित होगा कुछ कहा नहीं सकता, अपने तमाम प्रकार के बड़प्पन और अपने तमाम प्रकार के पदगत जो वैशिष्ट है उसके बावजूद भी उसका लोकमन हमेशा उसे एक आग्रह के साथ हमेशा उच्छ्वसित करता है, प्रसन्न करता है, उसमें ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा धर्मिता जो है लोक मन से आती है, तो लोक मन कोई सामान्य मन नहीं है। जैसे मनोविज्ञान वगैरह में जो मन की बात की जाती है, यहाँ उस मन की बात नहीं की जा रही है, हमारे भीतर की कार्य करने की, हंसमुख होने की, प्रसन्न होने की और उछलने कूदने की जो उद्दाम आकांक्षा है वो हमारे लोक मन की देन है। इसी के साथ मैं बता दूँ कि लोक और लोक मन में एक बड़ी भारी क्षमता है, वो क्षमता है कि वो किसी को भी लोक मन और लोक के अनुकूल बना लेता है। उसकी गुणवत्ता जो है मिट्टी की तरह से है, जैसे मिट्टी में एक गुण है कि वह किसी को भी मिट्टी बना देती है, जो चीज़ उसके भीतर जाती है वो मिट्टी हो जाती है। तो आप देखें कि लोक में जा कर के एक कोई भी संभ्रांत व्यक्ति भी जब लोक में पहुंचता है तो वह लोक हो जाता है, और लोक हो जाता है तो लोक मन के साथ वो एकमेक हो जाता है। एक शहर में रहने वाला बहुत बड़ा, बड़े पद पर रहने वाला आदमी, पढ़ा लिखा आदमी या बहुत बड़ा अधिकारी व्यक्ति भी जब गांव में जाता है तो वो लोक के साथ ऐसा रमता है कि वो कभी चौताल गा रहा है, कभी कजरी गा रहा है, कभी फगुआ गा रहा है, और कभी बारात के साथ बाराती हो रहा है, मजाक कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, वह इतना खुल जाता है, इतना
कोई उसके ऊपर आडंबर नहीं है। तो क्योंकि लोक में आप देखते हैं कोई अश्लीलता की चीज नहीं होती, लोक बड़ा खुला होता है और लोक मन भी खुला होगा। जब लोक खुला है, लोक मानव खुला हुआ है, तो उसका मन खुला हुआ है। हमेशा जो है लोक मन जो है हमेशा वह इतना खुला होता है कि उसके लिए शरीर के कोई भी अंग अकथनीय नहीं है। हर समय वह शरीर के किसी भी अंग को, जिसको हम शिक्षित लोग बचाते हैं, नहीं बोलते हैं, वे लोग जो हैं आप देखेंगे कि वे चाहे वो नारी लिंग हो चाहे पुरुष लिंग हो, उसके साथ जोड़ करके बड़ी बातें कर लेते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ करते हैं। कोई उनको संकोच नहीं होता है। जैसे पुलिस वाला गाली दे लेता है और गाली की भाषा में बोल लेता है, उनकी आम भाषा है और ऐसी स्थितियों में उनमें विकार नहीं होता। वो विकार के साथ नहीं कहते हैं, बल्कि वह जो है उसको बड़ी सहजता के साथ ग्रहण कर लेता है। ये चीजें जो हैं ये बहुत बड़ी चीज हैं, क्योंकि वही व्यक्ति शहरों में, बाजार में या अपने कार्यस्थल में जा करके उन अंगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन लोक में जाकर उन अंगों के साथ ही सारी बातें करता है। अब मैं यहाँ बहुत उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, लेकिन यदि कहा जाए तो गांव का आदमी बड़े धड़ल्ले से अपने किसी भी संबंधी के साथ, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, चाहे जिसके साथ भी हो, बातचीत करते समय लिंग भग नाम कृत ही बातें करता है और बात बात पर वह लिंगों की बात कर लेता है और लिंग को लगा करके वो बातें करता है। और वह ऐसे करता है कि उसके साथ कोई भान नहीं होता कि ये कोई अश्लील बात कर रहा है, कोई ऐसी बात कह रहा है जिसमें उसका उद्देश्य है वो कहना, वो सहज है। तो इस तरह से जो है हम लोक को देखते हैं। लोक एक ऐसी विचित्र चीज है जिसको समझना जल्दी से कोई समझ नहीं सकता है। उनके गीत जो हैं, उनकी तमाम जो चीजें हैं, उनके भजन हैं, उनमें कोई ऐसी बनावट नहीं है। उनके लिए न वाद्य यंत्र की जरूरत है, और उनके वाद्य यंत्र भी लोक के वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी शिक्षा स्वतः होती है। कोई वो भातखंडे और कोई बहुत बड़े शास्त्रीय आचार्यों से नहीं सीखते हैं, वो अपने आप बचपन से ही वाद्यों को बजाना शुरू करते हैं और बजा लेते हैं गाने पर या इस तरह से। तो ये जो लोक मन की सहजता है और जिसमें कोई शास्त्रीयता नहीं है, जिसमें जो है कोई ऐसा नियमों का भार नहीं है, तो ये जो लोकगीत है ये बड़ी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेलोडी सांग, तो ये मेलोडी सांग की तरह से हम अपने मन को भी बनाए रखते हैं। मन बड़ा सहज है और उस सहज मन में ऐसा नहीं है कि इतना सहज है कि आप उसको जटिल नहीं कह सकते, वो जितना सहज है उतने जटिल भी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि गांव का आदमी जितना सहज है उतने बड़ा टेढ़ा भी होता है, वो बड़ा वक्र भी होता है, क्योंकि वह जानता है, अच्छी अच्छी राजनीति जानता है। इसको हमारे रचनाओं में, रचनाकारों में प्रेमचंद ने गांव के आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझा है कि गांव का आदमी होता क्या है। तो ये चीजें तो हैं, ईर्ष्या द्वेष भी खूब हैं और रहते हैं, लेकिन उनकी ईर्ष्या और उच्च स्तर के लोगों की ईर्ष्या में बड़ा अंतर है, क्योंकि वह बड़ा लोकज है और ये जो है बड़ा व्यवस्थित है। इसके साथ इनकी ईर्ष्या और द्वेष में कोई जल्दी बच नहीं पाता है। तो हमेशा हम देखते हैं कि लोक मन को यदि देखना है और लोक को समझना है तो हम जाएंगे, और ये भी बात नहीं है कि गांव में ही लोक है। आज तो गांव भी बहुत बदले हैं, वो लोक तत्व जो है और लोक मन की जो चीज़ें हैं वो बड़ी संश्लिष्ट हुई हैं। राजनीतिक प्रभाव और धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तमाम प्रकार के यांत्रिकता का प्रभाव बहुत पड़ा है, लेकिन वह लोक मन अपने गांवों से, अपने सहज जीवन से शुरू होकर जहाँ कहीं भी है वहाँ भी वो है, उसमें है। उसको हम यदि पाना चाहेंगे तो जब वो सहज रूप में अपने घरों में बैठता है, अपने मित्र मंडली में बैठता है, तब उसका लोक खुलता है
और जब लोक खुलता है तो वह बहुत सहज होकर के बड़े ही हास्यास्पद और बड़े मनोरंजक ढंग से वह अपने तमाम प्रकार की मर्यादाओं को और अपने आधिकारिक स्वरूप को खो देता है। और तब फिर वह फिर पुनः वह शहरों में रह कर के भी एक बहुत बड़े क्लब में रह कर के भी लोक की चीज बन जाता है और इस रूप में उसका लोक मन सक्रिय होता है, तब वह उसका अभिजात मन सक्रिय नहीं होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमें देखना है कि जब हम लोक मन की चर्चा करते हैं, और ये लोक मन जो है वो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी का लोक मन और बंगला का लोक मन या उड़िया का लोक मन कुछ भिन्न भिन्न है, बड़ी समानताएं होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी समानता लोक भाषाओं में है, जितनी समानता लोक में है, उतना अभिजात में नहीं है। तो क्योंकि उसके साथ अनेक प्रकार के फैक्टर काम करते हैं, लेकिन जो लोक भाषाएं हैं वो बहुत ही समान हैं। आप यदि बंगला को ले लें तो बहुत सी चीज़ें भोजपुरी से बिल्कुल जुड़ती रहेंगी, तो मैथिली से जुड़ रही हैं, तो और यही नहीं, बहुत कुछ चीज़ें लगती है कि ये मेरी ही है। तो ये जो लोक का अपनापन है, वो चाहे फ्रांस का लोक हो चाहे इंग्लैंड का लोक हो, लोक तो लोक है, वहाँ भी लोग सारे लोग जो है वो अपने ढंग से जीवन जीता है और अभिजात अपने ढंग से जीवन जीता है। तो लेकिन अब उनके अपने अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं, उनके तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें जीवन पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, खान पान में अंतर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक लोक मन के सहजता की बात है, वह लोक मन पूरे विश्व का लोक मन एक होता है और लगभग एक होता है। थोड़ी बहुत जो अंतर हैं वो उनके भौगोलिक और सांस्कृतिक और तमाम प्रकार के उनके और फैक्टर्स जो हैं, खाने पीने की सुविधा व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें हैं, और रहन सहन की व्यवस्था, जलवायु की व्यवस्था है, जिसके कारण थोड़े बहुत अंतर होते हैं, लेकिन लोक तो लोक है। और वह लोक मनुष्य के आरंभिक मनुष्य की सहज मनोवृत्तियों का एक प्रतीक है। आप यदि इस रूप को लिया जाए तो हम समझते हैं कि जब सहज मनुष्य जब विकसित हुआ था तो उस सहज मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों का एक आधार बिंदु है वो लोक मन, और कुछ नहीं है। क्योंकि लोक मन को जब हम लेकर के बात करते हैं तो लोक मन एक ऐसा कोई मन नहीं है, वो सबका मन है, एक विस्तृत मन है। और चाहे जहाँ भी आप देखें, चाहे विवाह बंगाल में हो रहा हो, चाहे वो भोजपुरी क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे दिल्ली में हो रहा हो, लेकिन विवाह के समय लोगों के मन का जो एक स्वरूप बनता है वो इंग्लैंड में भी बनता है, हर जगह बनता है, क्योंकि एक विवाह का माहौल बन जाता है। एक आदमी जब मरता है तो मरने के बाद लोगों के जो मन का माहौल बनता है वो हर जगह एक ही तरह का बनता है। अब यह है कि उनके कर्मकांड क्या हैं, कैसे हैं, किन किन स्थितियों से उस शव के साथ क्या व्यवहार किया जाता, वो अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य के मन का उस समय जो घुमाव होता है वो हर जगह एक ही तरह से होता है। जब कोई प्रसन्नता की बात होती है तो वह उसी तरह से बदलता है, जब दुख की बात होती है तो उसी तरह से होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि दुख में भी और कष्ट में भी अभाव में भी और तमाम प्रकार की विषमताओं और अभावों में असुविधाओं में भी वह लोकमन हमेशा प्रसन्न रह लेता है, मस्त रहता है, हमेशा जो है वह गदगदाया रहता है। ये चीज़ें अभिजात वर्ग में नहीं होती है, क्योंकि एक गांव का आदमी अपने गमछे से हवा करके एक पेड़ की डाल के पेड़ की जड़ों में बैठ करके बड़ा उत्सवित आनंदित हो लेता है, वह पक्षियों को देखता है, वह पेड़ों को देखता है, वह हरी हरी फसलों को देखता है और अपने में मस्त होता है। उसे मच्छर काटते हैं लेकिन वह मच्छर की परवाह नहीं करता है, वह अपनी प्रसन्नता अपने कार्य के प्रति हमेशा संलग्न रहता है। तो जहाँ चलाती हुई भी महिलाएं गीत गा गा करके इतना श्रम, कोमल कोमल महिलाएं जो हैं इतने भयानक श्रम को बड़ी हंसी में बड़े आह्लाद में बिता लेती हैं। तो ये जो श्रम करते हुए भी थकने का न आभास
करने के लिए लोक मन ने जो साधन संसाधन जुटाए ये बहुत बड़ी चीज थी। और इसको कभी कभी आप जानते हैं श्रम गीतों के रूप में हम देखते हैं, जो बाद में चर्चाएं होंगी जब हम लोक साहित्य और लोक चेतना तमाम चीज़ों के रूप में चलेंगे, तब देखेंगे कि लोक, अभी लोक और लोक मन की बात कर रहा था, अब लोक चेतना और लोक संस्कृति और फिर लोक साहित्य की बात चलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको पाते हैं। और उदाहरणों के साथ मैं आपको, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये लोक मन या लोक चेतना या लोक संस्कृति कैसे अपने इन गीतों में हम देखते हैं, कथाओं में देखते हैं, लोकोक्तियों में देखते हैं, लोक मुहावरों में देखते हैं, इन तमाम चीज़ों में हम कैसे देखेंगे। तो ये बाद की बातें हैं, क्योंकि हमारे जो लोक देवता हैं, जो लोक वाद्य हैं, जो लोक संस्कार हैं, लोक के कर्म हैं, इन तमाम चीज़ों में हम लोक को खोजते फिरेंगे। हम किसी चीज को नहीं देखेंगे, बल्कि उसमें हम लोक मन को, लोक को, लोक चेतना को पहचानने की कोशिश करेंगे। आज जो है इस वक्तव्य में इतना ही है, यहीं से समाप्त करता हूँ। नमस्कार।